आप लोग को एक और बात नहीं पता होगा कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक हम ढंग से नाम ही नहीं लिए। एक क्लिक में अभी आप लोग को पता चलने वाला है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये देखो। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो हम एलेक्सा में अलार्म लगाए थे 6 बजे का, 6:30 का लगाए थे, तो ये अपने में ही बजी और अपने में ही चुप हो गई, हमको पता भी नहीं चला। और अभी टाइम हो चुका है 8:02 हो चुका है और हम फटाफट, मतलब हम 7:50 पे उठे, फटाफट नहा हुआ के रेडी हो गए। तो अब देखो, हम कुछ सब्जेक्ट, मतलब कुछ चैप्टर भी रखे थे जो पढ़ना था, वो पढ़ ही नहीं पाए। अब क्या ही करेंगे, बीच रास्ते में थोड़ा अपने दोस्त से डिस्कशन करते करते चल देंगे हम कहाँ, अपने एग्ज़ाम हॉल सेंटर पे, वहाँ पे भी कम से कम, अब देखते वहाँ जाके क्या होता है, अभी चलते हैं वहीं पर डायरेक्ट। आज भी हम सबसे पहले आए, लेकिन अभी सिटिंग प्लान लग चुका है सारा, तो होपफुली कि हम कहाँ पे हैं भाई, हम यहाँ पर। आज लास्ट मिला हमको, चलो आज लास्ट का सेकंड बेंच मिला हमको, देखते हैं कहाँ पे है भाई। उधर उधर कोने में है, सही है, अच्छा है। आज आज सुकून से, आज उतना अच्छे से पढ़े भी नहीं थे, तो आज लास्ट बेंच मिल गया हमको अच्छे से। सो अभी मेरा पेपर ख़त्म हो चुका है, अभी हम टेंशन फ्री हो चुके हैं, लेकिन हम एक चीज़ सोच रहे थे, आप लोग से घर पे चल के अच्छे से बात करते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में। हम अभी हम लोग जा रहे थे एकदम चिलचिलाते हुए धूप में हॉस्टल, लेकिन तभी मोबाइल पे हमको कॉल आता है और एक आदमी बोलता है कि आज आ जाइए सर, अपना ऑर्डर ले लीजिए। तो बस भैया ऑर्डर आया है, लिखो ब्ला 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 के नाम से आया ऑर्डर। 4100 फाइनली ऑर्डर मिल चुका। तो बात कर लेते हैं इस डिब्बा के बारे में। तो इसके अंदर दवाई है मेरा, और ऐसा दवाई है, थोड़ा पर्सनल दवाई है, तो पर्सनल मतलब कुछ ज़्यादा ही पर्सनल है, इसलिए हम बता नहीं सकते खुल के कि दवाई है किस चीज़ के बारे में। सो फाइनली आ गया भाई, कितना 8 दिन लगाया है, जबकि फ्लिपकार्ट इतना लेट डिलीवरी कभी नहीं देता है। इतना खास दवाई है ये देख रहे हो, इतना ज़्यादा भीड़, ऐसा लग रहा है कि क्या ही बताएं। अरे भाई इतना दिन बाद चलना ना, कब का ट्रेन बुक है? ट्रेन हाँ, ट्रेन तो मेरा दिल्ली से करा है। अच्छा दिल्ली से, मेरा यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है, लेकिन वो अभी तक कंफर्म ही नहीं हुआ है टिकट। सबका वही हाल है, इसीलिए हम दिल्ली से ले लिए हैं, गरीब रथ में आराम से जाएंगे। चलिए ऐसे एग्जाम अच्छा गया ना। हाँ बढ़िया, ठीक है। सो गाइस ये देख लो हमारी यूनिवर्सिटी का भीड़। आप लोग को एक और बात नहीं पता होगा कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक हम ढंग से नाम ही नहीं लिए। चलो घर पे दो दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आज। कुछ गंदा स्मेल दे रहा है ना, क्या महक रहा है, बोला नहीं जा रहा मेरे मुंह से, बाहर कुछ महक रहा लग रहा। ओ भाई साहब, दो ठो चिड़िया थी ना, दो चिड़ियों का बच्चा दी था आप लोगों को पिछले व्लॉग में देखे होंगे, उसमें से एक मर गई। कितनी गंदी महक रही है, पेशावरी को पता नहीं कैसे मरी, बहुत बुरा हुआ। सो गाइस ट्राई करते हैं उसको फेंकने का, नहीं तो एग्ज़ाम है भैया, थोड़ा एक मिनट हटिए। कैसे आप जिंदा हैं यार, एकदम हमसे बोला बने जा रहा। बाप रे बाप, इतना गंदा महक रहा है कि भाई जान निकल जाए। चलो उसको बाहर फेंक दिया एटलीस्ट, मतलब क्या करें, मजबूरी में तो फेंकना तो पड़ा ही। अब उसको तो कहीं डस्टबिन में भी नहीं फेंक सकते, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे ऐसा सुविधा नहीं है, पूरा महक जाता। और वहाँ नीचे फेंक दिया, वहीं पे जस्ट देखो कचरा का ढेर है, ठीक है, तो वहाँ से वो लोग हटा ही देंगे। अब क्या करें गाइस, मजबूरी था। आज टाइम आ चुका है ये तीनों को निपटाने का,
आज निपटा ही देते हैं, बहुत दिन से ऐसे पड़ा पड़ा है। अगर नहीं खाएंगे तो ख़राब हो जाएगा, तो इससे अच्छा खा ही लेते हैं। और वो देखो सारा तैयारी यहाँ पे ऑलरेडी बस डन कर चुके हैं। आज सबसे पहले इसको निपटाना है, क्योंकि कितना भी कोशिश करते हैं निकलता ही नहीं है। मियोनीज अब इसको, ओ भाई एक ही बार में निपट गया ये। ये देख रहे हो हल्का हल्का दही जैसा लग रहा है ना, गाढ़ी दही। मौसम अभी अचानक से चेंज हो गया और मेरा मूड भी अभी चेंज हो गया एक टॉपिक को लेके। कब से हम सोच रहे थे कि हम वीडियो हर दो दो दिन पे डाला करें या फिर हमको और डिले लेना चाहिए, तो जवाब आया हाँ डिले लेना चाहिए हमको। अब से हम डालेंगे करीब 4-5 साल बाद एक वीडियो डालेंगे। ये अभी हल्का गीला बना है क्योंकि इसको कुछ देरी तक छोड़ देंगे, ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल एक खाते हैं सैंडविच, ये वाला देखो, इसको मैगी को लो। अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी इसी वक्त आज एक चीज़ रिवील होने वाला है। चिड़िया रानी चली जाओ अभी। सो देख लो पहले मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पे भी देख लो एक बार। खैर उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ये जो ज़मीन था वो तो पहले तो जानवरों का ही था, तो अभी पेड़ काट दिया गया। ये देख लो प्रमाण भी, देख रहे हो ना पूरा जंगल ही जंगल है उधर। सो उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, तो हम लोग जानवर ही के ज़मीन पर रह रहे हैं, ये सब तो नॉर्मल बात है। खैर एक क्लिक में अभी आप लोगों को पता चलने वाला है कि हम कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये देखो टेंटन है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग एडुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आज पता चल गया आप लोगों को फाइनली। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट डाउन। तो अब से हम पहले सोच रहे थे हम क्या ही नाम ले, लेकिन भाई पहले हट जाए भाई, ये बच्चा दिए तो यहाँ पे बैठना है। चलो अब चलते हैं। तो खैर अब इस व्लॉग को भी एंड करते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछना। और हाँ अब इस व्लॉग को एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। ये देख लो तुम भी बोल लो बाय बाय। ए देख रहे हो ये इंतज़ार में कि हम हटें और ये आके बैठे अपने अंडे के ऊपर, कोई नहीं हटते हैं। सो गाइस बाय बाय।